नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूपी 100 न्यूज टीवी में। मैं अतुल तिवारी आपको लेकर आया हूँ जनपद सीतापुर में। एक बार फिर हुआ पत्रकार पर जानलेवा हमला। आपको बता दें कि कोतवाली मोहली गांव उमरिया में आज फिर पत्रकार अंकित सिंह तोमर पर अचानक हमला हो गया। दरअसल अंकित सिंह तोमर अपने घर से किसी कार्यवश बाहर गए थे। जब वह अपने घर वापस आ रहे थे तभी वहीं पर कुछ लोग मौजूद चारागाह में पेड़ कटवा रहे थे, जिसकी सूचना किसी ने एसडीएम साहब को दे दी थी। जब अंकित सिंह तोमर उधर से वापस आ रहे थे तभी कुछ लोगों का कहना था कि यह शिकायत अंकित सिंह तोमर ने की है। यह दबंग प्रवृत्त के लोग उनके घर पर जाकर दबंगाई दिखाने लगे। मामला यही नहीं रुका, उन्होंने घर में घुसकर लाठी डंडे से मारने की कोशिश की एवं जान से मारने की धमकी देने लगे तथा गाली गलौज करने लगे, जिसकी जानकारी चौकी इंचार्ज बड़ा गांव को दी गई। उन्होंने 17 घंटे बाद मौके पर पहुंचकर जांच की है। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पत्रकार को किसी झूठे केस में फंसाने तथा जान से मारने की खबर लिखे जाने तक धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि अंकित सिंह तोमर ने बताया है कि उनके तथा उनके परिवार को जान माल का खतरा है। मीडिया के माध्यम से अंकित सिंह तोमर शासन प्रशासन तक यह खबर पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे निर्दयी एवं दबंग प्रवृत्ति के लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को कमजोर करना चाहते हैं। सीतापुर में आए दिन ऐसे कांड हुआ करते हैं, पर इस पर कोई उच्च अधिकारी ध्यान या उचित कार्यवाही नहीं करता। फिलहाल अंकित सिंह तोमर ने तहरीर देते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। जब अंकित सिंह तोमर अपने घर पर बैठे थे तभी श्याम वीर अनुरोध सिंह, रिंकू पाल सिंह, सोनू सिंह एवं कुछ महिलाएं आकर उनको जान से मारने की धमकी एवं अचानक हमला बोल दिया, जिससे पत्रकार के परिजन एवं स्वयं पत्रकार डर गया। फिलहाल उन्होंने प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। अब देखना ये है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के उत्पीड़न पर प्रशासन इस दबंग प्रवृत्ति के लोगों पर क्या लगाम कसती है। क्या पत्रकार को सच में न्याय मिलता है या फिर वह न्याय के लिए जगह जगह पर भटकता दिखाई देता है। सीतापुर से अंकित सिंह तोमर के साथ आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज टीवी।